क्या आपको लगता है कि आप जीवन में जो बिजनेस करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है? या क्या आपको यह लग रहा है कि आपका पैसा जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है? मैं भाविन जैसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच आपको एक आज नया टॉपिक दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको यह सिखाते हैं कि कैसे सक्सेसफुल बना जाए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अनसक्सेसफुल होते हैं। यानी कि मेरा टाइटल है स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। नंबर वन, फीलिंग बीइंग विक्टिम फील करना बंद कर दीजिए। हम में से मेजोरिटी पीपल रोते रहते हैं, मैं बेचारा दुख का मारा, फादर इंडिया मदर इंडिया, और फिर हम दुखी रहते हैं। डोंट क्राई, डोंट फील विक्टिमाइज्ड। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये भगवद गीता में गीता सार कहा गया है। गीता सार की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है। जो लोग विक्टिम फील करते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लूजर नहीं बनना है तो आपको विक्टिम फील करना बंद करना होगा। और इसीलिए दूसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और वो है डोंट गिव एक्सक्यूजेस। हम में से मेजॉरिटी पीपल एक्सक्यूजेस देते हैं, रीजंस देते हैं। मैं गरीबी में बड़ा हुआ, मिडिल क्लास में पैदा हुआ, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, बड़े कस्टमर पेमेंट नहीं देते हैं, बड़े कस्टमर अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, पैसा कमाना आजकल दिन में बहुत मुश्किल हो गया है। लेट मी टेल यू, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस देके आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना, वो लोग हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। रिजल्ट्स और रिजल्ट्स दोनों साथ में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो तो एक्सक्यूज देना, रिजल्ट्स देना बंद कर दो। यू विल बी सक्सेसफुल। मैंने मेरे जीवन में कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिए है। मैंने हमेशा यही देखा है इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर थ्री, स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। मैं 80% लोगों को जानता हूँ जिनको मैं मिला हूँ, वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोग दिखावे के लिए जीते हैं। लोन पे घर है, लोन पे गाड़ी है, फिर भी घूमने जाते हैं इंस्टा फेसबुक पे फोटो डालने के लिए। मैं आपको अच्छा लगे ऐसा नहीं बोलूँगा, जो कड़वा है वही बोलूँगा। मत करिए ऐसा। जितना अर्न करते हैं उसमें से पहले सेव करिए। इन्वेस्ट बिफोर स्पेंड एंड देन स्पेंड स्पेंड स्पेंड। जरूर लगे तो मेरा बिजनेस एनर्जी फॉर्मूला, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, रजिस्टर करिए और मेरे कम्युनिटी में जुड़ जाइए। आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कम्युनिटी की बात निकली तो फोर्थ नंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हैंगिंग विथ लूजर्स। स्टॉप हैंगिंग विथ लूजर्स। आपके 5 दोस्तों के बाद नाम बता दो, मैं आपको बता दूंगा आप कैसे व्यक्ति हो। बी विद द पीपल हु लिफ्ट यू हायर। ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको लिफ्ट हायर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात याद रखना, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहते हो 50% सक्सेसफुल आप ऐसे ही बन जाते हो। सो आपके दोस्तों के नाम लिखिए अभी इस वीडियो को पॉज करके, और सोचिए कि आप कैसे लोगों के बीच हो। आपको आपका पूरा वर्तुल से पता चल जाएगा कि आप कैसे व्यक्ति हो। यही आपका सर्कल है, यही आपका जीवन है। अगर आपको खुद को बदलना है, सर्कल बदलिए। अगर जो सर्कल है वो आप हैप्पी है तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए या कैसे बेहतर सर्कल में जाए वो सोचिए। मैं मेरी कम्युनिटी जो रन करता हूँ, जो एवरी मंडे चलती है, बिजनेस एनर्जी फॉर्मूला की, द ऑल पीपल आर लाइट माइंडेड, दे आर लर्नर्स। सो स्टॉप हैंगिंग विथ लूजर्स। नंबर 5th, पार्टिंग लेट नाइट। लेट नाइट पार्टिंग बंद कर दीजिए। मैं कई दोस्तों को ऐसा जानता था, क्योंकि बचपने में इमैच्योरिटी में ऐसे दोस्त मेरे थे जो लेट नाइट पार्टिंग करते थे, लेकिन मैंने वो छोड़ा। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मुझे पसंद हो वो काम करता हूँ, सेशंस लीड करता हूँ, लेकिन मेरा माइंड फ्री रहता है, हैप्पी रहता है, और मैं ग्रोथ के वे में जा रहा हूँ। सो स्टॉप लेट नाइट पार्टिंग। नंबर 6, एक्टिंग लाइक वर्ल्ड ओवर यू। ऐसा मत करिए, आपके ऊपर पूरी दुनिया का भार है ऐसा मत सोचिए। हैव टाइम फॉर फन, हैव टाइम फॉर एंजॉयमेंट ऑल्सो। सब आपके ऊपर हावी हो गए हैं, सब आपसे काम करवाना चाहते हैं। नो, आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, ट्रस्टवर्दी है। सो स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। जब आप ऐसा सोचते हैं तब आप अपने आप का नुकसान करते हैं। हो सकता है आपने ये 6 पॉइंट बुक में लिखे हो, नहीं लिखे हो तो लिख लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप कौन सी दिशा में जा रहे हो।
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेक्सिंग टू इम्प्रेस अदर. जो मैंने वो पॉइंट कहा था, लेट नाइट पार्टीज और स्पेंड बिफोर सेव बिफोर स्पेंड, उसमें ये आता है कि आप लोगों को इम्प्रेस करना, खुशामद करना बंद कर दीजिए. एप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, लेकिन खुशामद किसी को प्यारी नहीं होती है. जब आप दूसरों को खुशामद करना शुरू कर देते हैं, तब वो व्यक्ति को पता चल ही जाता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो. हो सकता है अभी आपको ये भी लगे कि ये वीडियो दिखाकर भाविन मुझे खुशामद करने जा रहा है. नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है. इसमें से एक भी पॉइंट अगर आपको लागू पड़ता हो और आपने उसके ऊपर काम चालू कर दिया और उससे विरुद्ध दिशा में आप चालू हो गए, तो सोचो आपका बिजनेस कहाँ पहुँचेगा, आपकी लाइफ कहाँ पहुँचेगी और आप अपने एनवायरनमेंट को क्या गिफ्ट दे सकते हो. सो थिंक ऑन इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो से आप क्या सीखे. उतना ही नहीं, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियोज आपको और मिले. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.